हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल टैग दुनिया 2 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश ई उपार्जन गेहूं खरीद का पंजीयन प्रक्रिया में है, जिसकी निर्धारित तिथि 20 फरवरी रखी थी, लेकिन किसानों की समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आगे के वीडियो में कि क्या आदेश आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं ट्विटर अकाउंट पे। यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एमपी के ट्विटर अकाउंट पे यहाँ पे किसानों के लिए एक गुड न्यूज आई है। यहाँ पे आया है कि किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 के तहत गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जारी पंजीयन प्रक्रिया की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया गया है। किसान भाई निश्चित तिथि तक पंजीयन प्रक्रिया जरूर पूर्ण कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक आदेश आया है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश विषय रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के बाबत शासन का परिपत्र क्रमांक 5/1/2020 और 21 दिनांक 11/2/2021 एवं दिनांक 12/1/2021 उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें रबी विपणन वर्ष 2021-22 के समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन प्रक्रिया दिनांक 5/1/2021 से 20/2/2021 तक करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। प्रदेश के गेहूं उत्पादक समस्त किसान के ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु किसान पंजीयन की अवधि दिनांक 20/2/2021 से बढ़ाकर 25/2/2021 तक कर दी गई है। अतः निर्धारित समय सीमा में समस्त किसान के पंजीयन कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी अपडेट हुई है ई उपार्जन की। किसानों के लिए जो समस्या आ रही है, अब जो जिनको समस्या आ रही थी, वो किसान जल्द से जल्द पंजीयन केंद्र या कि एमपी ऑनलाइन सीएससी केंद्र सेवा केंद्र में अपना पंजीयन करा लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो